बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबले एहतराम नाजरीन, ये देखें जी, ये इसकी आई है फाइनल लुक माशाल्लाह। क्योंकि कुकिंग के दौरान जब चीज कुक हो रही होती है उस टाइम उसकी शक्ल या उसकी वैल्यू उसके फ्लेवर का नहीं पता लगता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मोहन और आप देख रहे हैं फूड इंटरटेनमेंट। नाजरीन, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं आलू अंडे की रेसिपी। बहुत ही मजेदार आलू अंडे हैं। ओए होए, आप खाएंगे ना, मेरे तरीके से बनाएंगे तो उंगलियां चाटेंगे। नए हैं मेरे चैनल पे, पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। चलें आए वक्त जाए किए बगैर अल्लाह ताला के नाम से आज की रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबले एहतराम नाजरीन, आलू अंडे बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 किलो आलू दरकार हैं, जिनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा क्यूब्स के अंदर काट लिया है। और उसके साथ हमें यहाँ पे चाहिए 6 अदद मुर्गी के अंडे। तमाम इन्ग्रीडियंट इन्हीं के हिसाब से होंगे। रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आलू और अंडे की क्वांटिटी के हिसाब से हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे 100 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल। अब हम यहाँ पे ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं। नाजरीन, ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये है हमारे 150 ग्राम प्याज, इन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। सबसे पहले इसके अंदर ये प्याजों को मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ पे इन प्याजों को मैं करूंगा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इस ऑयल के अंदर। माशाल्लाह, देखते ही देखते प्याज हमारा जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे वक्त हो जाता है, हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और इनको भी इसके अंदर अच्छा सा भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यहाँ पे इसे एक मिनट अच्छा सा भून लिया है लहसुन अदरक हरी मिर्च के पेस्ट को। अब इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे जी, ये है मेरा टमाटर का पेस्ट, ये मेरा है जनाब 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव टमाटर, 150 ग्राम प्याज और 1 पाव टमाटर। ये इसके अंदर ऐड करके इसे यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे मिक्स करके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, ये है जी नमक हसबे जायका, मैं 2 खाने के चम्मच डाल रहा हूँ, और साथ है हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, ये हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे टमाटरों के साथ ही। और इनको अब जाएंगे यहाँ पे अच्छी सी भुनाई, ताकि सुर्ख मिर्च और हल्दी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ, और प्याज भी साथ जो है अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। हमने देनी है मसाले को मेहनत और इसे पानी की छींट लगा के यहाँ पे 8 से 10 मिनट भूनना है। अब मैंने यहाँ पे हल्की सी पानी की छींट लगाई है और इसको इसके अंदर अच्छी तरह भूनना है। इसे तब तक भूनना है जब तक एक पेस्ट, एक सॉस की शक्ल, एक अच्छा सा खुशबूदार सा मसाला ना बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबले एहतराम नाज़रीन, 8 से 10 मिनट मैंने मसाले को अच्छा सा भूना है, 3 दफ़ा पानी की छींट लगाई है, और माशाल्लाह देखे क्या शक्ल आ गई है एंड हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब हमने यहाँ पे ऐड करने हैं जी आलू, जो बारीक बारीक मैंने काटे हुए थे, और क्वांटिटी मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कितनी है। और अब इन आलूओं को यहाँ पे इस मसाले के अंदर पहले अच्छा सा करेंगे मिक्स। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पे एक चीज इसमें ऐड करनी है, ये है जी साबुत जीरा 1/2 खाने का चम्मच, ये इसमें डालेंगे। साथ इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे ये है जी कसूरी मेथी के पत्ते, अच्छे ब्रांड के किसी के लीजिएगा, और ये 2 खाने के चम्मच ये भी इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इनको भी इन आलूओं के साथ यहाँ पे देंगे अच्छी सी भुनाई इस मसाले के साथ माशाल्लाह। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है जी पानी। पानी था हमारा 1.5 गिलास और इसको यहाँ पे थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है पानी के अंदर बॉयल आ गया है जो आलूओं में डाला था। नाजरीन, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है जी यहाँ पे ढक्कन लगा के आलूओं को 10 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि आलू गल जाएं, क्योंकि अगर इसी स्टेज पे अंडे डाल दिए तो सालन का हो जाएगा बेड़ा गर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले एहतराम नाजरीन, 10 मिनट गए हैं हो, अब उठाते हैं इसका ढक्कन। अब हम यहाँ पे जरा आलूओं को करें चेक थोड़ा सा। वाओ, माशाल्लाह ग्रेवी बन चुकी है बिल्कुल हमारी एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और जरा ये भी तसल्ली कर लें कि आलू क्या हमारे गले हैं कि नहीं जी। माशाल्लाह से
चम्मच ही ले मेरे ख्याल से, हाथ में तो नहीं आ रहा जी। आलू गल गए हैं हमारे, देखें बड़े बेहतरीन से आलू गल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हें यहाँ पे 1 से 2 मिनट चम्मच चला के ज़रा थोड़ा सा पका लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मिनट मैंने इन्हें इसी तरह ढक्कन उठा के भी पका लिया है, अपना जो डाउट है आलुओं के ऊपर वो पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे नाज़रीन इसके अंदर ऐड होंगी 2-4 चीज़ें। ये हैं जी हरे धनिया के पत्ते, मैंने इन्हें काट के पानी के अंदर डाल लिया था। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर इसमें हम ऐड कर देंगे। ये यहाँ पे आ जाती हैं जी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इन्हें भी मैंने काट के पानी के अंदर डुबो लिया था। ये तकरीबन 4-5 मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जो है ये इस रेसिपी की जान है, इसके बगैर आलू अंडे का आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इनको मिक्स करके साथ ही इमीडिएटली इसके अंदर, ताकि जो मिर्च का जो है ना वो खड़ापन अकड़ाव है वो ख़त्म ना हो जाए, इसके अंदर यहाँ पे हमने ऐड कर देने हैं ये जो थे 6 अंडे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए, डाल के इसके अंदर अब चला देंगे यहाँ पे चम्मच, ताकि जो इनकी जर्दियाँ हैं वो टूट जाए और इसके अंदर जो है अंडे अच्छे से हो जाए मिक्स। इनको मिक्स कर लेने के बाद आग का फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो से, तकरीबन 1 मिनट इसी तरह हल्का हल्का पकने देंगे, ताकि अंडे जो है वो इसकी ग्रेवी की पकड़ में आ जाएं। फिर नेक्स्ट क्या करना है मेरे साथ रहिएगा। माशाल्लाह देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें चलाते हैं चम्मच और देखें आलू अंडा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शक्ल के अंदर आ चुका है। अब हमने यहाँ पे एक फाइनल टच इसको लगाना है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है जी, ये है जी कुटा हुआ अदरक। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और तकरीबन अंदर मैंने 20 मिलीलीटर के करीब पानी डाला था, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे जी चूल्हे को बिल्कुल ऑफ। ऑफ करने के बाद आप चलाएंगे इसके अंदर चम्मच, यहाँ पे इसके ऊपर एक लगा देंगे ढक्कन। चला जी 5 से 10 मिनट गए हैं हो, अब उठाते हैं इसका यहाँ पे ढक्कन, आपको सालन की यहाँ पे जरा दिखाता हूं फाइनल लुक। माशाल्लाह जरा चेक करें, मैं यहां पे से करता हूं जी डिश आउट करके आपको दिखाता हूं और खाकर भी बताता हूं कि कैसा बना, मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काबले एहतराम नाजरीन ये देखें जी, ये इसकी आई है फाइनल लुक माशाल्लाह। क्योंकि कुकिंग के दौरान जब चीज़ कुक हो रही होती है उस टाइम उसकी शक्ल या उसकी वैल्यू उसके फ्लेवर का नहीं पता लगता, क्योंकि कुक होने के बाद ही सालन की शक्ल का पता लगता है। देखें माशाल्लाह इसके ऊपर तरी कैसे आई है खूबसूरत सी, ऐसा ऐसा जो आलू अंडे हैं उन्होंने अपनी तरी जो है इसकी सारी छोड़ दी है। ये मैं ज़रा आपको चेक करूँ, मैंने इसके ऊपर डाली थी थोड़ी सी हरी मिर्च और हरे धनिया के पत्ते। शक्ल देखें माशाल्लाह इसकी, क्या खूबसूरत शक्ल आई है, देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत किस्म के हमारे आज के जो हैं आलू अंडे जो हैं तैयार हुए हैं। मेरे ख्याल से दिखा आपको बहुत दिया है, चले आए अब खा के भी देखें और बताएं कि कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काबले तराम नाजरीन, मैंने कहा यहां पे जरा आपको दिखा दूं इसकी फाइनल लुक और शक्ल और खा के बताऊं। भाई लाजवाब, जो मुंह में हरी मिर्चें आ रही है ना और जो कसूरी मेथी ने से फ्लेवर दिया है, वाह, यकीन माने इतना मजेदार बना है ना, इतना मजेदार बना है कि आप लोग उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसा नाइस अरोमा और फ्लेवर आ रहा है ना अंदर, नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट सी ग्रेवी है, यानी कि आप नवाला लगाएंगे ना आपका नवाला लगेगा। वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक किया करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें और एक हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी देखा करें। बाद में मुझे नीचे लोग कमेंट करके बहुत सवाल करते हैं, जो कि हर चीज वीडियो में मेंशन होती है, स्किप करके जब आप देखेंगे ना तो आपको किसी चीज की समझ नहीं आएगी। इंशाल्लाह इसी तरह की नई यूनिक किस्म की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।